लिज्जत पापड़ की कहानी मात्र 80 रुपए से शुरू होकर 500 करोड़ से अधिक की अविश्वसनीय बिक्री का लेखा जोखा, अच्छी क्वालिटी एवं सुरुचिपूर्ण स्वाद के लिए पहचाने जाने वाले लिज्जत पापड़ की सफलता की कहानी, निश्चित रूप से सहकारी क्षेत्र में सफलता की शानदार मिसाल है। मात्र 80 रुपए में केवल 7 महिलाओं द्वारा वर्ष 1959 में शुरू किए गए महिला गृह उद्योग में आज 500 करोड़ से अधिक की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। आज इस संस्थान से 42,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसने एक बीमार बंद पड़ी पापड़ बनाने की इकाई को खरीदकर 15 मार्च 1959 को पापड़ बनाने का काम शुरू किया। 4 पैकेट पापड़ बनाने से इस उद्योग की मुंबई में शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह ओ ऑपरेटिव में परिवर्तित हो गया। आज एक बड़े उद्योग के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी पहले वर्ष की बिक्री मात्र 6,196 थी, आज इसकी बिक्री 500 करोड़ से भी अधिक है। यह कहानी महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनकी मेहनत से उपजी अद्भुतपूर्ण सफलता की कहानी है। आज लिज्जत पापड़ न केवल हमारे देश के घर घर में प्रयुक्त होता है, बल्कि इसका निर्यात भी किया जा रहा है। इस संस्थान का कोई एक मालिक नहीं है, बल्कि संस्थान से जुड़ी हर महिला इसकी स्वामिनी है। लाभ एवं हानि बराबर से सभी द्वारा साझा किए जाते हैं। इस संस्थान में न दान लिया जाता है, न ही किसी तरह का भी दान स्वीकार किया जाता है। संस्थान में निर्णय थोपा नहीं जाता, बल्कि सभी के द्वारा सर्वसम्मानित से लिया जाता है। सचमुच महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ एक अनूठा संस्थान है, जिसकी सफलता की कहानी भी अद्भुत है। धन्यवाद। आपका दिन सुख हो। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें।